नमस्कार, आपका मैटल्स इन बायोलॉजी में पुनः स्वागत है। हम रोचक एंजाइम मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस पर चर्चा जारी रखेंगे। यह एंजाइम बैक्टीरियल बहुघटकीय मोनोऑक्सीजिनेस श्रेणी की होती है और जैसा आपने पिछली कक्षा में देखा, यह हाइड्रोक्सिलेस के लिए सक्रिय होती है। यह मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस घुलनशील होती है और मीथेन को मीथेनॉल में परिवर्तित करने में सक्षम होती है। इस एंजाइम पर स्थित दो आयरन केंद्र दो हाइड्रोक्सी यूनिट द्वारा ब्रिज की संरचना के माध्यम से जुड़े होते हैं और इस एंजाइम की संपूर्ण संरचना में हिस्टिडीन और कार्बोक्सिलेट इन आयरन केंद्रों से एकल सह संबंध या मोनो कोऑर्डिनेशन द्वारा जुड़े होते हैं, जो इसकी संरचना को संबल प्रदान करते हैं। यहाँ इन दो में से एक आयरन पर जल का अणु भी होता है। यदि इन दोनों की आयरन केंद्र को देखें तो ये एक दूसरे से असममित या अनसिमेट्रिकल होते हैं और यदि इसकी संरचना की तुलना हेम एरिथ्रिन से करें तो इसमें भी समानता होती है। जैसे दोनों की संरचना में डाई न्यूक्लियर असममित होता है और इन दोनों पर स्थित लिगेंड की संख्या भी भिन्न होती है। यदि हम स्लाइड पर स्थित इन सभी BMM हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम को देखें तो टोल्यूइन सबस्ट्रेट के साथ और MMO की संरचना में फर्क इन पर स्थित इनके आयरन केंद्र पर ब्रिज यौगिकों में होता है, जबकि इसके लिगेंड की स्थापना लगभग एक दूसरे से समान होती है और यह दोनों एंजाइम हाइड्रोक्सिलेशन रसायन अभिक्रिया करते हैं। यदि हम स्लाइड पर टोलीन हाइड्रोक्सिलेस या टोलीन 4 मोनोऑक्सीजिनेस को देखें और इस पर स्थित एक्टिव साइट की तुलना मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस से करें तो इनकी संरचना में बहुत कम फर्क होता है, किंतु इनमें फर्क इन पर स्थित इनके आयरन केंद्र पर ब्रिज यौगिकों में होता है, लेकिन इन तीनों की संपूर्ण संरचना में कोई विशेष फर्क नहीं होता। इन तीन एंजाइमों के अतिरिक्त एल्कीन मोनोऑक्सीजिनेस और फिनॉल हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम की संरचना और सक्रियता ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे एल्कीन से इपॉक्सी फिनॉल बनाना और इसके पश्चात कैटिकॉल बनाना। इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन के अणुओं को मेटिल केंद्रों द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो सबस्ट्रेट के निष्क्रिय CH बॉन्ड को क्रियाशील बना देता है। ऐसा करने से मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम में ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन को इसके उत्प्रेरक चक्र द्वारा मीथेनॉल में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह करने से पर्यावरण में उपस्थित मीथेन की बड़े मात्रा को बायोमास में परिवर्तित कर देने की क्षमता होती है। इसलिए इस मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम का संबंध बायोमास के उत्पादन और पर्यावरण में उपस्थित मीथेन पर अंकुश दोनों कार्यों के लिए अहम होता है। यह एक बहुघटकीय एंजाइम है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य के लिए कई घटक इसकी अतिक्रियाशीलता में सहयोग होते हैं। मीथेन को मीथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए यह सभी घटक प्राकृतिक रूप से पूर्णतः डिजाइन किए गए हैं। यह मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम बहुत विशाल होती है और इसकी सबसे बड़ी रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जिसके द्वारा यह मीथेन को मीथेनॉल में परिवर्तित करता है। हमने रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग और ऑक्सीजन का एक्टिवेशन में समानता भी देखी और यह किस प्रकार एक ही एंजाइम इन दोनों कार्यों में सक्षम होती है। ऑक्सीजन बाइंडिंग में यह सभी एंजाइम केवल ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह ना तो सबस्ट्रेट से और ना कोई अन्य रासायनिक अभिक्रिया करती है, बल्कि यह केवल रेडॉक्स अभिक्रिया करती है। किंतु इन एंजाइम के समान इनकी सक्रिय स्पीशीज या इंटरमीडिएट ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका उपयोग या तो लिगेंड में थोड़ा परिवर्तन करने में और अगर इन पर कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट उपस्थित हो तो फिर हमें अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें संश्लिष्ट केमिस्ट को श्रेष्ठ अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इन उत्प्रेरकी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझना और सुलझाना आज भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर ये अभिक्रियाएं सही मायने में उत्प्रेरकी व्यवस्था और संश्लिष्ट प्रयोगशाला या सिंथेटिक लैबोरेटरी में संभव हो तो यह उपलब्धता देश के लिए बहुत बड़ा आविष्कार साबित होगा। यह अभिक्रियाएं
उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो संभव है किंतु न तो औद्योगिक स्तर पर और न ही संश्लिष्ट व्यवस्था में यह संभव हो पाता है। लेकिन यह उत्प्रेरकी अभिक्रियाएं जैविक निकाय में नियमित और आसानी से संभव होती हैं। जैविक व्यवस्था में यह शायद बड़ी दिलचस्प अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। यह बैक्टीरियल एंजाइम मिनरल स्प्रिंग के जल के सुंदर वातावरण में विकसित होते हैं। हमने इंग्लैंड में स्थित बाथ शहर के पवित्र मिनरल स्प्रिंग की चर्चा की थी। यह स्थान मिथाइलोकोकस बैक्टीरिया की उत्पत्ति का घर माना जाता है। इसका जल इतना अच्छा होता है जो त्वचा को निर्मल कर देता है और त्वचा पर स्थित ब्लोचेस या सर्वाइकल इचिंग को समाप्त कर देता है। इसलिए इसकी तुलना पवित्र जल से की जाती है। यह जल कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। इस जल में उपस्थित माइक्रोकॉकस बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं। यह गर्म जल के स्रोत अपने इन्हीं गुणों के कारण पर्यटकों के लिए महान लक्ष्य साबित होते हैं। स्लाइड पर स्थित ये खूबसूरत छाया प्रति इसी पवित्र जलाशय के हैं। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ अवश्य जाएं। इस मिथाइलोकोकस बैक्टीरिया द्वारा त्वचा संबंधित रोगों के निवारण के साथ साथ पूर्ण मनोरंजन के स्थान के रूप में भी विकसित है। इसके अतिरिक्त इस बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के योगदान अत्यंत अहम साबित हुए हैं। जैसा आपने देखा कि मीथेन से अभिक्रिया कर इसे मिथेनॉल में परिवर्तित कर यह बायोरेमेडिएशन के कार्य करने में भी सक्षम होते हैं। हमने 1989 में हुए एक्सॉन की दुर्घटना के परिणाम देखे जहां पानी के ऊपर मोटे तेल की परत कई वर्ग किलोमीटर में फैल गई थी। इससे प्रिंस विलियम साउंड क्षेत्र में प्रदूषण की वजह से कई प्रकार के जीव जंतु मारे गए थे। जब इस प्रभावित क्षेत्र में बैक्टीरिया विकसित हुए तो यह देखा गया कि कुछ विशेष बैक्टीरिया की कॉलोनी तेल को विघटित करने में सक्षम है। इन्हें तेल भक्षण सूक्ष्मजीवी भी कहा जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि मिथाइलोकोकस बैक्टीरिया ही होते हैं। यह बैक्टीरिया ही प्रिंस विलियम साउंड क्षेत्र को पुनः विस्थापित कर इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। यह एंजाइम या यह बैक्टीरिया जो इस एंजाइम की उत्पत्ति करते हैं न केवल मीथेन से अभिक्रिया कर इसे मिथेनॉल में परिवर्तित करने में सक्षम हैं, बल्कि शायद इस पवित्र जल या गर्म जल स्रोतों की प्रसिद्धि का कारण भी है। यह बैक्टीरिया बायोरेमेडिएशन के कार्य करने में भी सक्षम होते हैं और तेल को अपघटित कर इसे परिवर्तित कर लंबे समय के लिए इसके प्रभाव को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अगर आप स्लाइड को जूम करके देखें तो मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम के बाएं ओर वाला चित्र स्पष्ट रूप से सभी एक्टिव साइट को दर्शाता है क्योंकि इसके क्रिस्टल की संरचना की पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इस पहले चित्र बाएं ओर वाला पर स्थित एक्टिव साइट को देखें तो इस पर दो आयरन केंद्र दो हाइड्रोक्सो यूनिट के माध्यम से ब्रिज बाइंडिंग द्वारा जुड़े हैं। इन दोनों आयरन केंद्रों पर स्थित बॉन्ड भिन्न होते हैं। पहले बाईं ओर वाला आयरन केंद्र को देखें तो इस पर जल का अणु होता है और इसके अतिरिक्त ग्लूटामेट यूनिट 114 एकल सह संबंध या मोनो कोऑर्डिनेशन द्वारा इस पहले आयरन से जुड़ा होता है। इस आयरन पर एक हिस्टिडीन यूनिट 147 भी कोऑर्डिनेशन द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन इसका दूसरा आयरन इससे भिन्न होता है। इस दूसरे आयरन से दो ग्लूटामेट यूनिट ग्लूटामेट 243 और ग्लूटामेट 209 अपने टर्मिनल छोर द्वारा जुड़े होते हैं और इसके अतिरिक्त इससे एक हिस्टिडीन यूनिट 246 भी जुड़ा होता है। यह दोनों आयरन दो हाइड्रोक्सो यूनिट के अतिरिक्त एक ग्लूटामेट 144 से ब्रिज के माध्यम से जुड़े होते हैं। क्रिस्टल की यह संरचना असाधारण किंतु रोचक है। यह आयरन केंद्र असममित किंतु दिलचस्प केंद्र होते हैं जो मिथाइल को सक्रिय बना देते हैं। यह एक्टिव साइट ही मीथेन को मिथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम जिस एक्टिव साइट की चर्चा कर रहे थे उनके द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाओं और उनकी कार्यविधि इस स्लाइड के माध्यम से दर्शाई गई है, लेकिन इस कार्यविधि में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इस स्लाइड पर इन विशाल क्रिस्टल और अभिक्रिया में उत्पन्न इंटरमीडिएट या स्पीशीज की एक्टिव साइट को संक्षिप्त में दर्शाया गया है। सर्वप्रथम
सक्रिय इंटरमीडीएट आयरन II अवस्था में ऑक्सिजन से अभिक्रिया कर मिश्रित आयरन II आयरन III सुपरऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है जिसका अपचयन होता है। इस सुपरऑक्सो अर्धांश का एक बार फिर अपचयन होता है और यह आयरन III डाय परऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है। यह स्पीशीज़ ही सबस्ट्रेट हाइड्रॉक्सिलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि यह स्पीशीज़ ऑक्सिजन के निर्माण या ऑक्सिजन बॉन्ड क्लीवेज कर आयरन IV डाई ऑक्सो स्पीशीज़ बनाते हैं। यह माना जाता है कि यह डाई ऑक्सो स्पीशीज़ मीथेन से अभिक्रिया कर इसे मीथेनॉल में परिवर्तन कर देते हैं। यदि आप देखें तो यह परऑक्सो इंटरमीडिएट और आयरन IV बिसम्यू ऑक्सो इंटरमीडिएट MMOHQ बिल्कुल अलग स्पीशीज़ हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो भिन्न होते ही हैं, इनके साथ साथ इसका स्पेक्ट्रल विश्लेषण भी अलग होता है जो इनके गुणों को स्पष्ट करता है। यह MMOH परऑक्सो, MMOH ऑक्सो और बिसम्यू ऑक्सो स्पीशीज़ स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक की विधि के माध्यम से पूर्णता विश्लेषण द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह बिसम्यू ऑक्सो स्पीशीज़ मीथेन से हाइड्रोजन को निष्कासित कर हाइड्रोक्सो ब्रिज स्पीशीज़ बनाता है। यह बिसम्यू ऑक्सो स्पीशीज़ हाइड्रोक्सो ब्रिज स्पीशीज़ बनाता है और फिर मीथेन मिथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस कार्यविधि में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जैसे यह प्रस्ताव दिया गया है कि आयरन IV ड्राई ऑक्सो इंटरमीडिएट प्राकृतिक रूप से एक नया इंटरमीडिएट बनाता है। ये नया इंटरमीडिएट क्यू स्टार ही शायद ऑक्सो हाइड्रोक्सी होता है जिसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध नहीं है और शायद यह स्पीशी ही सही हाइड्रोक्सीलेशन के रसायन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम इन अभिक्रियाओं के स्टेप्स को और नज़दीक से देखें। यह संशोधित कार्यविधि में इस एंजाइम में उपस्थित परऑक्सो इंटरमीडिएट की अहम भूमिका दर्शाई गई है क्योंकि यह इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया कर सीधे डाई हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट बनाता है और यह दूसरी कार्यविधि द्वारा यह ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है जो आगे शायद एक नया इंटरमीडिएट ऑक्सो हाइड्रोक्सी के माध्यम से पुनः डाई हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट बनाता है। यदि हम सारांश में देखें तो इस क्रियाविधि में हम अपचयित अवस्था डाई आयरन से प्रारंभ करते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आयरन II आयरन III सुपरऑक्सो स्पीशीज़ की मिश्रित स्पीशीज़ बनाते हैं। यह आयरन II आयरन III सुपरऑक्सो स्पीशीज़ अपना दूसरा आयरन जो +2 अवस्था में है उसे ऑक्सीजन अर्धांश द्वारा अपचयित कर आयरन III आयरन III परऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है। यह इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया कर सीधे डाई हाइड्रोक्सी आयरन III इंटरमीडिएट बनाता है या अन्य विकल्प के माध्यम से यही परऑक्सो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कर बिसम्यू ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है जो आगे जाकर वही डाई हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट बनाता है। यह परऑक्सो इंटरमीडिएट दोनों ही अवस्था में डाई हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट बनाता है। मुझे लगता है कि स्लाइड पर यह दोनों पुरानी और संशोधित कार्यविधि को समझने में आपको कोई समस्या नहीं है। अब हम आयरन IV डाई ऑक्सो इंटरमीडिएट से आगे के स्टेप्स को समझेंगे। इसके लिए हमें शायद इस इंटरमीडिएट की अभिक्रिया में हस्तक्षेप कर इसकी अतिक्रियाशीलता और अभिक्रिया की गति को समझना होगा। हम इस विशेष स्टेप को स्लाइड पर देखें। यह कार्य प्रोफेसर लिपर्ट द्वारा किया गया था। आप जो स्लाइड और प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वह प्रोफेसर लिपर्ट द्वारा लिखित पुस्तक एवं उनके ऑनलाइन उपलब्ध मटेरियल के माध्यम से प्राप्त किया गया है। यह आयरन IV डाई ऑक्सो इंटरमीडिएट अपना विशेष एवं अनोखा स्पेक्ट्रा देता है जिसका गहन अध्ययन किया गया है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार यह इंटरमीडिएट मीथेन से अभिक्रिया कर मिथेनॉल बनाता है क्योंकि इस पूर्ण कार्यविधि में यह कार्य ही सक्रियता से होता है। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह इंटरमीडिएट कब बनता है और यह कब मीथेन से अभिक्रिया करता है। यहाँ प्रश्न यह है कि यह क्रियाविधि के कौन से स्टेप पर मीथेन अभिक्रिया करता है और मिथेनॉल बनाता है। हम जानते हैं कि संभवतः यह आयरन IV डाई ऑक्सो इंटरमीडिएट ही है, किंतु क्या हम इस इंटरमीडिएट को पृथक कर अलग से उत्पन्न कर सकते हैं? जैसा आप जानते हैं यह भी इंटरमीडिएट अतिक्रियाशील होते हैं और मिली सेकेंड में ही अभिक्रिया कर लेते हैं।
इस अध्ययन के लिए एक विशेष तकनीक तैयार की गई जो एक प्रकार से इन अतिक्रियाशील स्पीशीज़ को पकड़ने या ट्रैपिंग के लिए उपयोग होती है और या इन स्पीशीज़ को बनाने में सहयोग प्रदान करती है। इस तकनीक की व्यवस्था शायद इस प्रकार के स्टेप्स के अध्ययन के लिए अनुकूल होती है, फिर भी यह अभिक्रिया आसान नहीं होती। इस स्लाइड पर दृश्य यह व्यवस्था डबल मिक्सिंग स्टॉप्ड लो काइनेटिक स्टडी कहलाती है। यहाँ इंटरमीडिएट Q मीथेन से अभिक्रिया करता है और मीथेनॉल बनाता है। यहाँ हम इंडिपेंडेंट पुश प्लेट की पहली सिरिंज में रिड्यूस्ड प्रोटीन सॉल्यूशन लेते हैं। यह रिड्यूस्ड प्रोटीन सॉल्यूशन वास्तव में आयरन टू सॉल्यूशन होता है, जैसा कि स्लाइड में दृश्य है। इसके निकट इसी इंडिपेंडेंट पुश प्लेट पर स्थित दूसरी सिरिंज में डाई ऑक्सीजन का संतृप्त बफर विलयन लेते हैं। यह दोनों रिड्यूस्ड स्पीशीज और ऑक्सीजन की सिरिंज एक ही पुश प्लेट पर स्थित होती है, जैसा स्लाइड पर चित्रित है। इसी प्रकार एक अन्य इंडिपेंडेंट पुश प्लेट पर सबस्ट्रेट यानी मीथेन और अतिरिक्त बफर की दो और सिरिंज लेते हैं। अब हम जैसे ही इस अभिक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो क्रम अनुसार इसमें इंटरमीडिएट बनना प्रारंभ हो जाएंगे, जिन्हें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि इन इंटरमीडिएट का जीवन काल बहुत कम होता है, तो यह भी संभव है हम इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट को देखने में असमर्थ रहें। यदि हम इस संपूर्ण अभिक्रिया को स्पेक्ट्रल अध्ययन द्वारा देखें और स्पेक्ट्रा की रिकॉर्डिंग को ट्रैक करें तो हमें 30 मिलीसेकंड बाद आयरन III परऑक्सो इंटरमीडिएट का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होगा और अगर इस अभिक्रिया को जारी रखा जाए तो 500 मिलीसेकंड बाद हमें आयरन IV डाईऑक्सो इंटरमीडिएट का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह दोनों स्पीशीज का निर्माण और अपघटन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में पीक द्वारा रिकॉर्ड होता है। यह निर्माण और अपघटन की घटना आयरन III परऑक्सो इंटरमीडिएट के लिए 30 मिलीसेकंड बाद और आयरन IV डाई ऑक्सीजन इंटरमीडिएट के लिए 500 मिलीसेकंड बाद स्पेक्ट्रा पीक द्वारा स्पष्ट दिखती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस समय अपनी स्पेक्ट्रल रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हमें इन इंटरमीडिएट की कार्यशीलता की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होती है क्योंकि इनके पीक का विश्लेषण यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम द्वारा अध्ययन किया गया है। आपने देखा था यह दोनों रिड्यूस्ड स्पीशीज और ऑक्सीजन की सिरिंज एक ही पुश प्लेट पर स्थित होती है। यदि आप अपचयित यौगिक से प्रारंभ करते हैं और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इस अध्ययन की व्यवस्था में विशेष बात यह है कि सबस्ट्रेट की सिरिंज दूसरी पुश प्लेट पर स्थित होती है। यदि हम अभिक्रिया के 30 मिलीसेकंड बाद सबस्ट्रेट की सिरिंज को पुश करके इसे अभिक्रिया में समाविष्ट करते हैं तो यह परोक्सो मीथेन से अभिक्रिया करेगा और यदि सबस्ट्रेट को 500 मिलीसेकंड बाद समाविष्ट करते हैं तो यह आयरन IV डाई ऑक्सो इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट Q से अभिक्रिया करेगा। इन दोनों इंटरमीडिएट की सबस्ट्रेट S से अभिक्रिया स्लाइड पर देखी जा सकती है। यहाँ इन दोनों स्थितियों में जब सबस्ट्रेट को अभिक्रिया में समाविष्ट करना होता है तो इसका सही समय महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है तथा यह पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में भी होती है। यदि हम इसे 30 मिलीसेकंड या इससे थोड़ा कम समय की काल अवधि में प्रोग्राम करें तो यह प्रोग्राम समय पर इस सबस्ट्रेट की सिरिंज की प्लेट को पुश करेगा। यह दोनों पदार्थ मिक्सिंग चेम्बर में तय समय अनुसार पहुंचकर अभिक्रिया करते हैं और नया इंटरमीडिएट बनाता है जिसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह उपकरण बहुत कीमती होता है किंतु पूर्ण व्यवस्थित होते हैं और यह इन अतिक्रियाशील इंटरमीडिएट को सटीक रूप से प्रमाणित कर लेते हैं। यदि आप इस उपकरण को 500 मिलीसेकंड या इससे थोड़ा कम समय की काल अवधि में प्रोग्राम करें तो यह रिड्यूस सॉल्यूशन और डाई ऑक्सीजन का संतृप्त बफर विलयन की अभिक्रिया 500 मिलीसेकंड तक होगी और इस समय अवधि में मिक्सिंग चेम्बर में हमें इंटरमीडिएट Q प्राप्त होगा। अगर इसी प्रोग्राम समय पर इस सबस्ट्रेट की सिरिंज की प्लेट को पुश करेंगे तो जैसा आपको मालूम है यह इंटरमीडिएट Q मिक्सिंग चेम्बर में दो विकल्प द्वारा कार्यविधि कर सकता है। पहली कार्यविधि में यह मीथेन से तेजी से अभिक्रिया करेगा
और दूसरी क्रियाविधि में यह धीमी गति से बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है जैसा स्लाइड में दर्शाया गया है। इस उपकरण के मॉनिटर पर हमें परऑक्सो स्पीशीज़ का विश्लेषित बैंड 720 नैनोमीटर और इंटरमीडिएट Q का विश्लेषण बैंड 420 नैनोमीटर पर स्पष्ट रूप से दृश्य होता है। यह दोनों इंटरमीडिएट परऑक्सो इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट Q के दो बैंड द्वारा हम इन दोनों को प्रमाणित कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड पर देखें तो यहाँ आयरन II की अपचयित स्पीशीज़ ऑक्सिजन से मिक्सिंग चेम्बर में अभिक्रिया करते हैं और बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाते हैं। यह बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडिएट वही है जिसको हम इस कार्यविधि द्वारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आयरन II का अपचयित स्पीशीज़ और ऑक्सिजन को मिक्सिंग चेम्बर में 500 मिलीसेकंड तक अभिक्रिया करने दिया जाए तो यह इंटरमीडिएट क्यूब बनाते हैं जैसा स्लाइड पर दिख रहा है। अब अगर 500 मिलीसेकंड के बाद मीथेन सबस्ट्रेट की सिरिंज को पुश करके इसे अभिक्रिया में समाविष्ट करते हैं तो यह इंटरमीडिएट Q से तेजी से अभिक्रिया करता है। अगर हम UV विजिबल स्पेक्ट्रम द्वारा इंटरमीडिएट Q के बैंड को देखें तो यह 420 नैनोमीटर पर स्पष्ट रूप से दिखता है। आइए हम कुछ प्रायोगिक अध्ययन करें। पहले स्लाइड पर बाएं ओर देखें। इस ग्राफ में समय बनाम अवशोषणांक या एब्जॉर्बेंस का प्लॉट देखें तो यह स्पष्ट होता है समय के साथ एब्जॉर्बेंस लगातार घटती जाती है और दाहिनी ओर के ग्राफ में मीथेन की सांद्रता बनाम मीथेन के एब्जॉर्बेंस के ABS को देखें तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह कोई एक प्रयोग नहीं है। हम मीथेन की सांद्रता में परिवर्तन कर कई प्रयोग कर सकते हैं और इसे प्लॉट द्वारा चित्रित कर सकते हैं। हमने इस दाहिनी ओर के ग्राफ में मीथेन की सांद्रता को बदल बदल कर इसका अध्ययन किया और प्रत्येक रिजल्ट को ग्राफ पर चिन्हित किया तथा प्रत्येक प्रयोग में अन्य सभी स्थितियों को सामान्य या कांस्टेंट रखने से हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। हमने देखा किस प्रकार 500 मिलीसेकंड के बाद इंटरमीडिएट क्यू प्राप्त होता है और इसके पश्चात मीथेन सबस्ट्रेट के मिश्रण में मीथेन की सांद्रता को परिवर्तित कर अलग अलग रीडिंग को प्लॉट पर चिन्हित किया जाता है। अगर प्रयोग में मीथेन को ड्यूटेरियम CD4 द्वारा परिवर्तित कर दें और इसका रिजल्ट भी प्लॉट करें और इन दोनों प्रयोगों से प्राप्त रिजल्ट्स की तुलना करें तो KH/KD का मान या वैल्यू 26 प्राप्त होती है जैसा स्लाइड में दिया है। इस कार्यविधि में H ऑक्सो इंटरमीडिएट बनता है जैसा कि स्लाइड की अभिक्रिया में दृश्य है। हमने विभिन्न सांद्रता के मीथेन और ड्यूटेरियम की अभिक्रिया का अध्ययन किया। इस मीथेन की सांद्रता को मीथेन सबस्ट्रेट सिरिंज में बदल बदल कर अलग अलग प्रयोग द्वारा प्राप्त सभी रीडिंग को रिकॉर्ड कर प्लॉट करने पर ग्राफ निर्मित होता है। इसी प्रकार सबस्ट्रेट सिरिंज में ड्यूटेरियम की भी अलग अलग सांद्रता से अलग अलग प्रयोग द्वारा रीडिंग को रिकॉर्ड कर प्लॉट करने पर ग्राफ निर्मित किया जाता है जैसा स्लाइड पर दृश्य है। इन दोनों प्लॉटों से काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वैल्यू 26 प्राप्त होती है जो हाई वैल्यू होती है। यह हाई काइनेटिक आइसोटोपिक वैल्यू यह भी संकेत देती है कि इसकी कार्यविधि में टनल इफेक्ट के प्रभाव का भी योगदान है। यहाँ CH बॉन्ड का पृथक्करण और सक्रियता का योगदान रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है जो मीथेन से मीथेनॉल के निर्माण में अत्यंत जटिल और निर्णायक स्टेप होता है। इस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के अध्ययन द्वारा हमें यह हाई वैल्यू अभिक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ CH बॉन्ड की सक्रियता ही अत्यंत जटिल और निर्णायक स्टेप होता है। हम अब इसकी कार्यविधि को समझेंगे। इस अभिक्रिया की विभिन्न कार्यविधि हो सकती हैं। इसमें से दो सबसे विश्वसनीय कार्यविधि को स्लाइड पर चित्रित कर समझाने का प्रयास किया गया है। इसका उल्लेख जनरल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 2002-124-14608 द्वारा प्राप्त किया गया है। इस स्लाइड पर चित्रित प्रस्तुति में व्यवस्थात्मक संस्करण या स्कीमेटिक वर्जन दर्शाया गया है। इसमें डाई आयरन केंद्र पर स्थित दोनों आयरन दो ऑक्सो ब्रिज द्वारा बाइंड होते हैं। यह बिस म्यू ऑक्सो स्पीशीज कहलाती है।
इस स्पीशीज़ के निकट स्थित मीथेन इससे अभिक्रिया करता है। इससे सर्वप्रथम CH बॉन्ड को अभिक्रिया के लिए सक्रिय करना होता है, जो कि एक सामान्य किंतु अत्यंत कठिन स्टेप होता है। इस कार्य के लिए इसकी हाई काइनेटिक आइसोटोपिक इफ़ेक्ट वैल्यू सहयोग करती है। इसका मान 26 होने की वजह से यह मीथेन का एब्जॉर्बेंस तेजी से करता है। इसका ट्रांजिशन स्टेट TS1 पर मीथेन CH3H बॉन्ड बनाता है और साथ साथ इसका CH बॉन्ड टूटना शुरू होता है और इसके टूटने के पहले OH बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रांजिशन स्टेट TS1 में CH बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का बनना लगभग एक साथ होता है। आगे यह कार्यविधि दो मार्ग द्वारा संभव हो सकती है, किंतु इन दोनों मार्गों के लिए यह ट्रांजिशन स्टेट TS1 समान होता है। इसमें प्रथम मार्ग कंक्रीट अभिक्रिया कार्यविधि या कंक्रीट रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। बॉन्ड का टूटना और जुड़ना एक साथ होता है और उसमें कोई भी रेडिकल या रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ CH बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का बनना एक साथ होता है और इसमें मिथाइल ग्रुप भी O और H से बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए इसमें कोई भी फ्री रेडिकल या रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनता। यही कारण है हम इसे कंक्रीट रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। इस प्रथम मार्ग में आप देखें कि यह आयरन 4 बिस म्यू ऑक्सो इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट Q मीथेन से अभिक्रिया कर इसका एक CH बॉन्ड को तोड़ते या ब्रेक करते हैं। इसका H ऑक्सीजन की ओर पलायन कर OH बॉन्ड बनाता है। कंक्रीट रिएक्शन मैकेनिज्म में OH बॉन्ड का बनना, CH बॉन्ड का टूटना और उत्पन्न नया CH3 के कार्बन का ऑक्सो ग्रुप के एक ऑक्सीजन से CO बॉन्ड का बनना सब एक साथ होता है। यह कंक्रीट रिएक्शन मार्ग उच्च ऊर्जा मार्ग या हायर एनर्जी पाथवे द्वारा मिथेनॉल उत्पाद बनाता है। यहाँ कंक्रीट रिएक्शन मार्ग के अंत में मीथेन बॉन्ड इंटरमीडिएट बनता है। इस यौगिक के पृथक होने से मिथेनॉल प्राप्त होता है। यहाँ अन्य विकल्प क्रियाविधि का प्रारंभ भी इंटरमीडिएट Q से होता है और इसका भी यही ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ भी CH बॉन्ड का टूटना और OH बॉन्ड का बनना होता है, लेकिन यहाँ OH बॉन्ड के बनने के साथ इंटरमीडिएट Q स्टार OOH बनाता है। यह O स्टार इंटरमीडिएट के साथ साथ CH3 रेडिकल भी बनाता है। यह CH3 रेडिकल तत्पश्चात OH से अभिक्रिया कर मिथेनॉल कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाता है, जो अंततः टूट कर मिथेनॉल बनाता है। हम अगली कक्षा में देखेंगे कि किस प्रकार यह इंटरमीडिएट बनते हैं और आगे बढ़कर अभिक्रिया करते हैं। आपने यहाँ जो अभिकलनात्मक विवरण या कंप्यूटेशनल डिटेल्स देखा, वह प्रोफेसर लिपर्ट एंड ग्रुप के रिसर्च पेपर द्वारा प्राप्त किया गया था। आप मीथेन मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम या बैक्टीरियल बहुघटकीय मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम द्वारा मीथेन से मिथेनॉल बनाने और ऐसी ही समान एंजाइम जो इसी प्रकार की आकर्षक रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, उसका अध्ययन करते रहें, जैसे मीथेन से मिथेनॉल बेंजीन, टोलीन से हाइड्रोक्सी टोलीन, फिनॉल से कैटिकॉल, ओलिफिन से इपॉक्साइड और ऐसी ही विभिन्न अभिक्रियाएं जो नॉन हीम आयरन केंद्र द्वारा संभव होती हैं। हम अगली कक्षा में इन अभिक्रियाओं की कार्यविधि पर विस्तार से